नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। मैं इस वक्त हूँ संजय कॉलोनी सेक्टर 23 पुलिस चौकी में, और ये देख रहे हैं कई लोग, इनको गंभीर चोट लगी है, किसी ने इनको जमकर मारा पीटा है। इकबाल, अल्ताफ, अनवर और अन्य के नाम ये लोग बता रहे हैं। पुलिस में शिकायत दी है, पुलिस की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन हम इनसे पूछते हैं वो कौन सा गुंडा है, वो कौन सा बदमाश है जिन्होंने इनको इस तरह से बुरी तरह से मारा है, पीटा है। आप लोग देख सकते हैं इनका पैर तोड़ दिया गया है, इनके सर में चोट है, महिलाएं हैं उनको भी पीटा गया है, कई लोग हैं जिनको चोट आई है, इनको भी चोट आई है। हम एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? उदय नाम है जी मेरा। कहाँ रहते हैं सर? जीवन कॉलोनी पार्ट टू में। चोट कैसे आई? हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटा है? ये मेरे इकबाल नाम के लड़के ने मारा है, जो गोंछी का बदमाश है। वो कहता है मेरा नाम इकबाल है, मैं बदमाश हूँ गोंछी का। अच्छा। अल्ताफ और अनवर और नासिर और जमील, जमील नाम का ये मोमडन है, और मोमडन एकता बना रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुओं को घसीट घसीट के मारेंगे, और मेरे को भी घसीट घसीट के मारा है, मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा किसी ने। आपकी कोई रंजिश रही होगी या ऐसे ही मार दिया? ये इसी वजह से मारा, मैंने मोमडन लड़की से शादी करी है, और वो कह रहे हैं मोमडन लड़की तुम्हारे घर में रहने नहीं देंगे, या तो तुझे जान से मार देंगे या तो इसको छोड़ दे। अच्छा, ये आपकी पत्नी है, ये मोहम्मदन है, आपने लव मैरिज की है, इनसे शादी की है, ये बच्ची भी है आपके, बच्ची भी है। आप जो है उनको खुंदक है कि मोहम्मदन लड़की से शादी कैसे कर ली और खुशी से कैसे रह रहे हैं। उनका कहना है इसको छोड़ दे, इसको भगा दे, वरना गलत कर देंगे। हाँ, जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और आज जानलेवा हमला भी कर दे। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़कियों को ले जाने के लिए बोलते हैं कि इसे नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारे घर की बहन बेटी को ले जाएंगे, उनके साथ गलत काम करेंगे, ये सब बोलते हैं। आज सुबह हमारी लड़की को जबरदस्ती खींच के ले जा रहे थे, लड़की के साथ मारपीट भी की है। हाँ जी, इनके साथ बड़ी मुश्किल से छुड़ाया लड़की को। आपका क्या नाम मैडम? मेरा नाम साजिदा है। साजिदा है और उदय है, दोनों ने लव मैरिज की है। खैर, आजकल शादियां कर रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान सभी शादियां कर रहे हैं, और इनके छोटी सी बच्ची भी है, इनका परिवार हंसी खुशी चल रहा है, लेकिन उनको जलन है कि ये लोग हंसी खुशी कैसे रह रहे हैं। इनको देखिए चोट आई है। क्या नाम है? राजकुमारी। आपको चोट कैसे आई? मैं घर से निकली थी, 10-15 लड़के थे, वो खींच के ले जा रहे थे। आपको खींच के ले जा रहे? हाँ। कहाँ ले जा रहे? स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट गाड़ी, उसमें जबरन बिठा रहे थे, जबरदस्ती लेके जा रहे थे। कैसे बची आप? आपको भी आई? मारपीट करी, जबरदस्ती खींच बड़ी, ये देखो बहुत। और कल सुबह इसको मारा, और बिजली के बिल के पैसे। क्या नाम है बेटा? आकाश। आपको भी उन्होंने मारा? हाँ। सर में कहाँ चोट आई है? यहाँ ये पैर में भी, रोड से मारा था मेरे को पैर में, देखिए खून खराबा है, रोड से मारा है। सर में भी गंभीर चोट है इनको, यहाँ हाथ में गंभीर चोट है, इधर पैर में गंभीर चोट है इनके, देखिए इनके आँख के ऊपर नीचे चोट है, और इनको कह रही हैं कि जबरन किडनैप करने का प्रयास किया जा रहा था, जबरन स्विफ्ट गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया जा रहा था, अगर ये बैठ जाती पता नहीं इनको कहाँ ले जाते, इनके साथ कौन सी वारदात को अंजाम देते, लेकिन इन सब ने बचाया अपनी जान पर खेल कर। इनके देखिए मुंह से खून निकल रहा है, सबको गंभीर चोट आई है, और संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में शिकायत दी गई। क्या धमकी मिल रही है? ये धमकी दी जा रही है इनका, तुम घर आओगे तुम्हें कुल्हाड़ी से काट देंगे। अच्छा, आप इसी डर से यहाँ बैठे हुए हो? डर से हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुल्हाड़ी से काट देंगे, और वो अभी तक हाथ नहीं आए, और उनके जो पिताजी हैं, पिताजी बुद्धा नाम है इकबाल के, और उसने खुला चैलेंज दे रखा है, इनका तुम्हें जान से मार देंगे, मेरे को भी मारने की धमकी, और मेरी घरवाली को बहुत बुरी तरह से मारने की धमकी, और मेरी भतीजी को उठा के लेके जा रहे थे गाड़ी में, स्विफ्ट गाड़ी है उनके पास वाइट कलर की, और अरवन की अरवन की गाड़ी है स्विफ्ट, और बुलेट गाड़ी है उसके पास बिना नंबर की, अल्ताफ, ये लोग मारने कह रहे हैं, और फुल धमकी दी जा रही है, तुम बाहर निकल के आओगे जब भी मार देंगे, और कई लोग तो मुखबर छोड़ रखे हैं चौकी के बाहर, जो यहाँ की साइड ही इकबाल को दी जा रही है फ़ोनों पे। तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसा लगता है इकबाल बहुत बड़ा गुंडा है फरीदाबाद का, इसीलिए इनको धमकी दी है कि जान से मार देंगे, अपने मुखबिर छोड़ दिए हैं चारों तरफ कि लोग क्या कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, ये पूरा परिवार है, 10-15 लोग हैं, डरे हुए हैं अपने घर जाने में, ये डर रहे हैं, और ये संजय कॉलोनी सेक्टर 23 पुलिस चौकी में बैठे हुए हैं। पुलिस से उम्मीद है न्याय करे और गुंडे को गिरफ्तार करे, इनके जान माल की रक्षा करे। अब देखते हैं पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इस मामले में संजय कॉलोनी पुलिस चौकी ने FIR नंबर 636
अंडर सेक्शन 147, 149, 379B और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही इस मामले में आगे का अपडेट किया जाएगा। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।